चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम सीएमए फाइनल एसएफएम का। हम कंपेयर करने जा रहे हैं आपको सिलेबस 2016 और सिलेबस 2022 में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेबस 2016 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि 2016 में क्या था और 2022 में क्या है, उस दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करके आपको एकदम क्लियर इमेज हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेज आपका क्या था। ठीक है, सिलेबस 2016 में चार पार्ट्स होते थे, उसमें सबसे पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 25% था, इट का मतलब 25% ऑफ 100 डेट इक्वल टू 25 मार्क्स का था, और फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन ये आपका 20 हो गया, और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आपका 25 मार्क्स का है, और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये आपका 30 मार्क्स का है, ये टोटल आपकी 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कौन कौन सा चैप्टर था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये जो आपने सीएमए इंटरमीडिएट सेकेंड ग्रुप में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग का जो नाम है कैपिटल बजटिंग, वो कैपिटल बजटिंग है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। दूसरा इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये आपका दूसरा पार्ट है, और लीजिंग डिसीजन ये आपका तीसरा पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है। ठीक है, अब आपका जो सिलेबस 2022 में हम फर्स्ट पार्ट क्या है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिलेबस 2022 पेपर 14, ये भी पेपर 14 है। अब देखिएगा यहाँ पे भी आपका पहली पार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, यहाँ पे भी आपकी पहली पार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यहाँ पे क्या था इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपकी परसेंटेज दिया हुआ है कि इससे हम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका कैपिटल बजटिंग है। दूसरा इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये जो आपका सेकेंड पार्ट था 2016 सिलेबस का एग्जैक्ट वही है 10% में, इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये आपका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे लीजिंग डिसीजन था, और यहाँ पे थर्ड पार्ट में यहाँ पे लीजिंग डिसीजन है आपकी 10%, आपका कितना है ये लीजिंग डिसीजन, ये आपका 5% का ये आपका है, और लास्ट में आपका ये आपका सिक्योरिटाइजेशन है, लास्ट में आपकी क्या है बेटा सिक्योरिटाइजेशन है। चलिए लास्ट में आपकी बात सिक्योरिटाइजेशन है, ठीक है बेटा सिक्योरिटाइजेशन है, एक मिनट, लास्ट में आपका सिक्योरिटाइजेशन। अब आपको क्या है यहां पे तीन पार्ट्स है, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इवेल्युएशन रिस्की प्रपोजल, लीजिंग डिसीजन, यहां पे आपका चार पार्ट्स है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्की प्रपोजल, लीजिंग डिसीजन एंड सिक्योरिटाइजेशन। ये जो सिक्योरिटाइजेशन है एक नया पार्ट ऐड किया गया है, बहुत ही छोटी सी टॉपिक होती है सिक्योरिटाइजेशन, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये क्या है कि अगर किसी फाइनेंस कंपनी को पैसा उठानी है, या फाइनेंस कंपनी जब क्या करती है हमेशा हम लोन देती रहती है, तो उसके बाद जो शॉर्टेज होती है फाइनेंस का, वो शॉर्टेज को कैसे मीट करता है उसके बारे में सिक्योरिटाइजेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो इजीली किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका सेक्शन बी आता है जो सिलेबस 2016 में फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट नहीं है सी पार्ट में फाइनेंस, आपकी ये जो पार्ट है बी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट में क्या है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जबकि बी पार्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जबकि सिलेबस 2016 में क्या था सी पार्ट में था सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यहाँ पे 25% सिलेबस में था, ये भी ये आपका 35% सिलेबस में है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन था, जो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन था, इसमें आपको इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट,
ये सारे जो है वो आपका एक्चुअली मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, बॉन्ड वैल्यूएशन, मनी मार्केट ऑपरेशंस, आपका शेयर वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड है, वो आपको यही पार्ट, ये सेम पार्ट्स आपको बी पार्ट यहाँ पे 35% में है, उसमें आपको ये सारा चीजें ऐड की गई है। अब वो क्या है, आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी इसमें पार्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी पार्ट है। इसका मतलब जो आपका सिलेबस 2022 में, जो सिलेबस 2022 में आपका 2022 में आपकी जो बी पार्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये 35% का है, वो क्या कंटेन करता है, 2016 सिलेबस का आपका बी पार्ट और सी पार्ट दोनों को इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले ये कितने नंबर पे थे, 25 + 20, ये 45 मार्क्स का था, अब उन्होंने क्या कर दिया है, 35% दे दिया हुआ, इसका मतलब 35 मार्क्स का है। कुछ पार्ट इसमें क्या की गई है, ये दोनों पार्ट से कुछ डिक्रीज, मैंने आपका वही पार्ट है जो यहाँ पे आपको 35% में दिया हुआ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में आपका जो आता है, नेक्स्ट में जो आपके पास आता है, नेक्स्ट में यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये आपकी 30% का पार्ट है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में ये आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे 20% का पार्ट है। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में क्या हम स्टडी करते थे, डेरिवेटिव स्टडी करते थे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या है, 20% का है फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम ऑप्शन पढ़ते थे, फ्यूचर पढ़ते थे, फॉरवर्ड पढ़ते थे, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस, पहले फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ही होता था, इंटरनेशनल फाइनेंस जिसमें फॉरेन एक्सचेंज या रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा करते थे, वो इन्होंने अलग से दिया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ये 15 नंबर में दिया हुआ है। तो 20 + 15 ये 35 मार्क्स का, पहले ये कितना था, 30 मार्क्स का था, अब उन्होंने जो आपका डी पार्ट है वो 35% कर दिया है, पहले 30 मार्क्स का था। एग्जैक्ट सिलेबस आपका सेम है, लास्ट में आपका एक है डिजिटल फाइनेंस, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, 5% का है डिजिटल फाइनेंस। दिस इज नॉट टफ, बहुत ही इजी टॉपिक है। अल्टीमेट कहा जाए कि आपका जो सिलेबस 2016 का जो था वही सिलेबस 2022 में दिया हुआ है, ऐड क्या की कर दी गई है, थोड़ा सा एडिशनल ऐड की गई है। एक आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में सिक्योरिटाइजेशन एक आपका 5% वो ऐड किया गया है, और जब डिजिटल फाइनेंस ये आपका 5% ऐड की गई है। रिमेनिंग होल 90% सिलेबस वही सिलेबस है जो आपको सिलेबस 2016 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट SFM का था, ठीक है। अब आपको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने चलते हैं, हमको क्या अगर डिटेल में स्टडी है। अब देखिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, वही हम पढ़ते थे, IRR, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये वही सारी चीजें यहाँ पे है, मॉडिफाई IRR, ये जो पहले पढ़ते थे वही चीजें अभी भी हैं। इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रोजेक्ट, ये जो पहले पढ़ते थे वही चीज है। लीजिंग डिसीजन वही है। ये सिक्योरिटाइजेशन आपका एक नया टॉपिक है जो आपको यहाँ पे डिटेल में आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना बेटा। अब आपके पास आ जाता है, यहाँ पे पहले भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वही सारी चीजें थी। अब आपका सेकेंड पार्ट सिक्योरिटाइजेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो पहले आपका दो पार्ट हुआ करता था, वो कौन कौन सा पार्ट हुआ करता था, आपका दो पार्ट हुआ करता था, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक बी पार्ट में। इंट्रोडक्शंस, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी पार्ट्स आपको दिया हुआ है। पोर्टफोलियो में जो सी पार्ट में सिलेबस 2016 में था वो वाली सिलेबस यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। इफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको यहाँ पे
फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क इन फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, स्वैप, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए ये वाला जो सिलेबस है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये सिलेबस 2016 में था जो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ, ठीक है। तो मैं आपको कंपेयर करके यहाँ पे बतलाया कि सिलेबस 2016 में क्या था और सिलेबस 2022 में क्या है, और दोनों को कंपेरेटिव स्टडी करके मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है बेटा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे जो सिलेबस 2022 है उसका कोई चैप्टर लेकर हम आपको एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, ओके।